तो हमने आज तक ना उत्तराखंड का गांव पूरा नजदीक से नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर देखिए उतने प्यार से चाय लेकर आ रहे। थैंक यू आंटी। हेलो। इस होटल में खाना खाने के लिए हम लोग रुके हैं, वहां से व्यू देखिए। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इसके मुंबई के व्लॉग्स ख़त्म नहीं हुए और ये फिर से एक नए सफ़र पर निकल पड़ा है। तो हमारा जो नया सफ़र है वो निकलने का रीज़न है हमारे फाइनली 5K, हमारे 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और हमने केदारनाथ में तय कर लिया था कि जिस दिन भी हमारे 5000 सब्सक्राइबर होंगे हम करेंगे पंच केदार। तो अभी हूँ मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर और हम लोग जा रहे हैं आज हरिद्वार के लिए। तो पहले हरिद्वार पहुँचते हैं और उसके बाद जो प्लान बनेंगे वो वहीं पर बनेंगे। सो फिलहाल तो आज मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है तो मैं इस वाले डिब्बे में जा रहा हूँ। तो हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी 3:20 को। तो फिलहाल हम यहाँ पर ट्रेन के पास कुछ खाने पीने के लिए सामान ला रहे हैं और हमारे ये जो सफ़र है वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ है क्योंकि हमारे 5000 सब्सक्राइबर हुए और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुए। सो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आप लोगों को। और अब कुछ खाता पीता हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो खाना पीना खाने के बाद सीधा मिलते हैं हरिद्वार में। हमारी हरिद्वार में एंट्री हो चुकी है, अब हम लोग रूम ढूंढेंगे और उसके बाद कल एक स्पेशल डे है तो कल मिलते हैं। सो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो ब्लॉग में। तो कल रात को हम लोग पहुंचे थे हरिद्वार और आज का दिन स्पेशल पता क्यों है? क्योंकि आज है दशहरा और अभी हम लोग हाथीपुल क्रॉस करके सामने जा रहे हैं जहाँ पर होगा रावण का दहन, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। ये देखिए गंगा मैया और वहाँ पर दूर आपको हमारे भोलेनाथ दिखाई देंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड की तरफ और वहीं पर हम आज पहली बार देखेंगे रावण का दहन। तो अभी हम लोग रामलीला ग्राउंड में पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखिए क्राउड। अरे लाइफ में ना इतना बड़ा रावण हमने कभी नहीं देखा, आज पहली बार देख रहे हैं। पटाखे ही पटाखे। सो अभी थोड़ा टाइम रहा है, रावण की आग लगने वाली है। तो मेघनाथ का काम तो 10 सेकंड में हो गया, अब देखते हैं रावण की बारी है। तो मेघनाथ 10 सेकंड में और लंकापति रावण है, उन्होंने 1 मिनट लगाया और धू धू करके दोनों चल गए। बाहर की ओर जा रहे हैं और वहीं से ऑटो लेके हम जाएंगे बस स्टैंड की ओर हरिद्वार के और वहां से हम हमारी बस कंफर्म करेंगे और क्या टाइमिंग होगी और उसी के हिसाब से नेक्स्ट डे का हमारा शेड्यूल होगा। सो रावण दहन देखने के बाद अभी हम लोग पहुंचे हैं हरिद्वार के बस स्टैंड पर और यहां पर हमने पूछताछ की, हमें जाना है कल कल्पेश्वर के लिए, तो जो बद्रीनाथ के लिए जो बस जाती है उसी में हम लोग जा रहे हैं और बस निकलेगी सुबह 5:30 और जो बुकिंग होगी वो बस के अंदर ही होगी। तो हमें कंफर्म करना था कि बस यहाँ से जाती है नहीं, तो बस यहाँ से जाती है 5:30 बजे। तो हम लोग मॉर्निंग में अब जल्दी निकलेंगे अपने रूम से और सीधा पहुँचेंगे यहाँ बस स्टैंड पर। सामने हमारी वहाँ पर लगी हुई है बस, वो ही मॉर्निंग में जाएगी। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। सो हम हमारी बस के लिए आ चुके हैं और सो हमारी बस निकल चुकी है यहाँ से और हमारी बस जा रही है जोशीमठ के लिए। हमारी बस रुकी है 3 धारा में और आज हम लोग हमारी जो पंच केदार की पहला धाम यानी कि कल्पेश्वर की तरफ जा रहे हैं। तो पहले अभी हम यहाँ पर कुछ खाना वाना खाएंगे और यहाँ से खाना खाने के बाद निकलेंगे कल्पेश्वर। तो हमारी जो बस है वो हेलिंग तक की है और हेलिंग के बाद क्या कुछ मिलेगा वो तो आगे जाकर पता लगेगा। जिस होटल में खाना खाने के लिए हम लोग रुके हैं वहाँ से व्यू देखिए। सो हमारा नाश्ता आ चुका है और ये जो प्लेट लगी है ये लगी है 60 रुपये की। बस वाला किस बात का गुस्सा निकाल रहा
सो अभी हम लोग पहुँचे हैं हेलिंग में और यहाँ से जो कल्पेश्वर की दूरी है वो 15 किलोमीटर। तो हेलिंग के पास से ही आपको एंट्री गेट मिलेगा और सामने यहाँ से गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बताया कि जो गाड़ी है वो मंदिर तक ही जाती है। वैसे जो दूरी दिखाई हुई थी मैप के अंदर 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अब देखते हैं कितना होगा कितना कुछ नहीं। फिलहाल तो भैया से पूछते हैं, भैया कहाँ जा रहे हो? और हमारे लिए यहाँ पर जो गाड़ी थी ना वो भाग गई भाई। तो अभी गाड़ी का इंतज़ाम होगा या नहीं वो कंफर्म नहीं है। वेट कर रहे हैं कि हमें कोई गाड़ी मिल जाए और हम लोग पहुँचे। सो हेलिंग से यहाँ गाड़ी मिलती है शेयरिंग में 70-80 रुपये, लेकिन हमें अभी गाड़ी कोई मिली नहीं है तो भैया ने हमें चार्ज किया 150 रुपये 1 पर्सन। तो अभी हम लोग गाड़ी, यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो गाड़ियाँ अभी नहीं मिल रही, तो शेयरिंग वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर ग्रुप बनाया 10 लोगों का। हमें जो गाड़ी मिली है 1500 रुपये। भैया हमें लेकर जा रहे हैं कल्पेश्वर के लिए। तो हम लोग निकल पड़े हैं हेलिंग से और जो कल्पेश्वर का रास्ता है वो देख लीजिए कुछ इस प्रकार का, और यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी है और 1 घंटा 20 मिनट या 25 मिनट की ये हमारा सफ़र रहने वाला है। तो आगे का रास्ता कैसा रहेगा कैसा नहीं वो तो हमें भी नहीं पता। तो यहाँ की रोड देख लो, ये लैंडस्लाइड पहले का अभी का नहीं। अभी हम लोग पहुंचे हैं नयारी गाँव में, यहाँ से जो कल्पेश्वर की दूरी है वो सिर्फ 4 किलोमीटर। और ये गांव देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा। वो सामने व्यू देखिए कितना प्यारा है, बादल निकले हैं वहाँ से धीरे धीरे और पीछे हिमालयास। सर ये कौन सा गांव है? देवग्राम। हाँ। अभी हम लोग देवग्राम में पहुंचे हैं और अंकल जी मिले हैं। हाँ। मेरा नाम राजेंद्र सिंह नेगी है, पथिक होम स्टे है मेरा सबसे पुराना यहाँ पर उर्गम सबसे पुराना 1988 का 1988 से है। हाँ। और आज जो है लगभग जो है 35-37 होम स्टे हो गई है। तो आप कितना चार्ज करोगे? चार्ज तो हमारा तो है सबसे वही है, आपसे ज्यादा लेने का कोई वो नहीं है। अच्छा। क्योंकि अतिथि देवो भव ये तो हमारे इंडिया में है, इंडिया में है, लेकिन 1000 रुपये पर रूम का लेते हैं जिसमें 5 आदमी 6 आदमी रह सकते हैं। अच्छा। और डॉर्मेट्री का? डॉर्मेट्री का 1000 रुपया। सर चलो चलते हैं, चलो ठीक है। सो अभी हमें यहाँ जो होम स्टे मिला है उसका रास्ता देखो, रोड साइड से कुछ 100 या 150 मीटर साइड में है। और यहाँ पर देखिए भांग के पौधे कितने लगे पड़े हैं चारों तरफ बड़े बड़े। हमारे साथ जो भैया जा रहे हैं कोलकाता के बाबू हैं। बाबू नमस्ते। नमस्ते। तो उत्तराखंड के गांव में आ चुके हैं हम लोग और यहाँ के रास्ते देख लीजिए। तो हमने आज तक ना उत्तराखंड का गाँव पूरा नज़दीक से नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के गाँव में ये घर देखिए कितना प्यारा यार, बहुत पुराना घर है और लकड़ी मिट्टी पत्थर बस इन्हीं से बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। हेलो आ गए अंकल। यहाँ पर हमें जो रूम मिला है ना वो मिला है सिर्फ 400 रुपये में और जो डाइट है वो 100 रुपये। तो आज की रात हम रुकेंगे इसी गांव में और इस गांव का नाम है देवग्राम और सामने वहाँ पर एक केदार मंदिर है, वहाँ पर हम कल मॉर्निंग में जाएंगे। तो जिस होमस्टे में हम रुके हुए हैं यहाँ के जो ओनर है वो बहुत ही अच्छे हैं। देखिए अंकल जी जा रहे हैं बाहर दूध लेने के लिए और यहाँ आंटी जी हमारे लिए चाय बना रहे हैं। आंटी जी चाय बना रहे हो? देखिए होममेड मिलेगा सब कुछ। हाँ, सब कुछ मिलेगा, चाय बना रही हूं आपके लिए। थैंक यू आंटी, इतने प्यार से चाय लेकर आ रहे, थैंक यू आंटी। तो ये उत्तराखंड का प्यार है जो हमें मिल रहा है, फैमिली वाली फीलिंग आ रही है पूरी। तो ये है आज का हमारा खाना, घर का खाना, सादा खाना, बहुत अच्छा है। सो खाना सच में बहुत अच्छा था। सो अब खाना खा लिया है, अब वीडियो एडिट करना है और अपलोड करना है। सो आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं और कल मिलते हैं, सबको पता है कहाँ मिलना है।